दोस्तों मार्केट एक बार फिर से गिर के 22,800 डॉलर के लेवल पे आ चुकी है, जो कि पिछली बार भी हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था एंड अभी तक दोबारा से एक बार सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी फिफ्टी को देखोगे या फिर S&P 500 को देखोगे तो दोनों ही एक मेजर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेती हुई यहाँ पे दिखी है। तो मार्केट के अंदर यहाँ से हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन क्या है इस टाइम पे मार्केट की, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। साथ ही कुछ ट्रेड्स बनेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे अगर बिटकॉइन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा नॉर्मल चार्ट है वहाँ पे हमें कोई भी क्लियर इंडिकेशन अभी तक नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें EMA क्रॉसओवर की तो यहाँ पे आप अगर इसको जूम आउट करके देखोगे आपको देखने को मिलेगा छोटा मोटा यहाँ पे जो 9 EMA है उसने क्रॉस करवा है दोनों ही EMAs को नीचे की साइड, लेकिन अभी भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला कि यहाँ पे सेलिंग बनती है। बट हाँ, अगर जब तक हम इस 9 EMA के नीचे हैं तब तक हम बोल सकते हैं कि मार्केट हल्का सा यहाँ पे बियरिश हो रखी है, और जैसे ही लेवल टूट जाएगा यानी कि 22,800 डॉलर के नीचे जैसे ही 4 आवर कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट जाने का भी उसके सिचुएशन में देख सकते हैं, या फिर बेटर ये रहेगा कि जैसे ये लेवल टूटे रिटेस्ट करने आए ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो, ये जो हमारा सपोर्ट था रेजिस्टेंस होने तो हम वहां से शॉर्ट ले लें, ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी अभी के लिए रहेगी। बाकी चांसेस हाई हो सकते हैं कि इस रेंज के अंदर हम कुछ टाइम घूमते हुए दिखे जैसे कि हमने कल एक्सपेक्टेशन करी थी। बाकी अगर हम 4 आवर का दूसरा चार्ट देखें जहां पर हमारा MACD भी लगा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो MACD की तरफ से भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। या लास्ट टाइम हमारे पास जो MACD की तरफ से इंडिकेशन आया था वो यहाँ पे आया था सेलिंग का, जिसके बाद आप देख सकते हो मार्केट लगातार गिरी थी, उससे पहले यहाँ पे बाइंग का आया था जिसके मार्केट ने अच्छा खासा पंप दिया था, बट अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे पास बीच वाली मिडिल लाइन होती है उसके हिसाब से कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन अभी नहीं आया। साथ ही साथ यहाँ पे हिस्टोग्राम ने भी कोई यहाँ पे क्लियर वॉल्यूम वगैरह नहीं दिखाई है। एंड एक चीज आप यहाँ पे और देख सकते हो कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काफी बार क्या होता है फॉल्स इंडिकेशन देता है जब मार्केट किसी ट्रेंड के अंदर नहीं होती, तो हमारे पास जो MACD होता है काफी बार फॉल्स इंडिकेशन देता है, तो वही चीज यहाँ पे हमें चलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मेक श्योर आपको जो भी इंडिकेशन लेना है वो यहाँ पे 100 EMA के साथ लेना है। अगर 100 EMA के प्राइस ऊपर है तो आपको सिर्फ यहाँ पे बाय का इंडिकेशन लेना है, और 100 EMA अगर तोड़ता है यानी कि प्राइस अगर 22,700 डॉलर के नीचे 4 आवर क्लोजिंग देता है तो हम फिर सेल का इंडिकेशन लेने जाएंगे MACD को देखते हुए, अदरवाइज यहाँ पे कोई सेल का इंडिकेशन नहीं बनेगा। अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट हल्का सा बुलिश है क्योंकि हम 100 EMA से सपोर्ट लिए हुए हैं, उसके ऊपर प्राइस चल रहा है तो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर चल रही है हम बोल सकते हैं 4 आवर चार्ट के हिसाब से। तो ये ओवरऑल अपडेट है यहाँ पे 4 आवर चार्ट को देखते हुए। बाकी अगर आप यहाँ पे 1 डे चार्ट देखोगे तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारे पास जो एक बेयर फ्लैग बना था ऊपर से डायरेक्शन लिया था उसके हिसाब से अगर प्राइस गिर के आएगा तो हमें ये लेवल देखने को मिलेगा 21,600 से 21,700 डॉलर तक प्राइस गिरता हुआ हमें देखने को मिलेगा इस चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट के अंदर जो हम देख रहे हैं आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। बाकी अगर आप वीकली चार्ट देखोगे वहां से भी डायरेक्शन हमारा आ चुका है 9 EMA से, एंड अभी तक हमने वीकली के अंदर इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा, हालांकि हमने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करा हुआ है। तो ये ओवरऑल अपडेट था यहाँ पे बिटकॉइन का। बाकी इससे साथ आप मैच करके देखोगे अगर निफ्टी 50 को या फिर आप S&P 500 को तो हम क्लियर बोल सकते हैं दोनों ही मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन लेनी है, तो इसके हिसाब से बहुत चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जो है इस लेवल को तोड़ दे 22,700 से 22,800 डॉलर के लेवल को, और जैसे ही इसको तोड़ेगा तो हम यहाँ पे रीटेस्ट आने पे एक शॉर्ट लेने की वहाँ पे देखेंगे। होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इथेरियम के बारे में, इथेरियम अभी तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है, और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब मुझे लगता है इथेरियम एक अप ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे शॉर्ट लेना कोई अच्छी समझदारी नहीं होगी। इथेरियम के अंदर शॉर्ट लेना है तो ये लेवल टूटना चाहिए, लगभग ट्रेंड लाइन जो ये टूटेगी तो हम शॉर्ट लेने जा सकते हैं इथेरियम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें मैटिक के बारे में, तो मैटिक का भी वही सिचुएशन है, मैटिक अभी एक रेजिस्टेंस के पास है बट शॉर्ट लेना मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी समझदारी है, बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो क्योंकि अभी एक रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ तक हमें एक छोटी एंट्री मिल सकती है जो हमें छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकती है। कैलकुलेट करके देखोगे तो लगभग आपको ये प्रॉफिट यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखने को मिलेगा लगभग 3.5% का। तो लिवरेज पर आप ये ट्रेड एक बना सकते हो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे रख सकते हो 0.9327 के पास अगर आप लेना चाहते हो कोई डिस्क ट्रेड इस समय पे, तो अदरवाइज और कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बनना क्योंकि मार्केट जो है कंसोलिडेट फेस में इस टाइम पे चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें BNB के बारे में, BNB थोड़ा सा ओवरपम्प कर गया था, ज्यादा लेवल भी तो उसने तोड़ दिया था, चांसेस हाई रहेंगे कि BNB एक बार रिटेस करने आएगा, अब वो आ ही रहा है। आई थिंक 299 या फिर 287.7 तक आपको BNB का प्राइस देखने को मिलेगा, देन उसके बाद हमें एक जंप देखने को यहाँ से मिल सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे रहना BNB को लेके। BNB के अंदर एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है कभी भी, जिस हिसाब से ही पम्प करा है हो सकता है वो अपसाइड हो अगर बिटकॉइन अपसाइड देखता है, और अगर वो बिटकॉइन क्रैश करता है तो डाउन साइड भी हमें देखने को मिलेगा। जिधर भी आएगा मूवमेंट वो मूवमेंट बड़ा रहेगा क्योंकि वॉल्यूम्स इसके अंदर बढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें सोलाना की, सोलाना को लेकर बैड न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ कल की वीडियो के अंदर भी शेयर करी थी सोलाना के
हैकिंग को लेके, तो उसके अंदर थोड़ी चीज़ें हमें ठीक होती भी दिखी हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे सोलाना का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं गिरा था इस न्यूज़ की वजह से भी, और अभी भी इतना नहीं गिरा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते सोलाना से तो अभी भी निकल सकते हो, क्योंकि प्राइस का नॉर्मल ही चल रहा है, स्टेबल है अगर आप बाकी चीज़ों को देखोगे तो। बाकी अगर आप सोलाना को देखोगे तो अभी यहाँ पे देख सकते हो 9 EMA से रिजेक्शन प्राइस लेने के चांसेस रहेंगे। मे भी हम यहाँ पे $38.37 एक बार दोबारा से टेस्ट करने आए नीचे की साइड। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे कार्डनो के बारे में। कार्डनो हमने पता है हार्ड फोक होने वाला है इस मंथ के अंदर, एंड कार्डनो का प्राइस अभी थोड़ा मेंटेन हुआ हुआ है पिछले अगर कुछ दिनों के हिसाब से आप देखोगे। अभी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बना रहा है प्राइस, यहाँ पे आप देख सकते हो डेली चार्ट के अंदर ये ट्रेंड लाइन हमारे पास है जहाँ पे प्राइस अभी सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है डेली चार्ट के अंदर तो डेफिनेटली यहाँ पे हम शॉर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज कोई शॉर्ट एंट्री यहाँ पे नहीं बनती। बाय करना चाहो तो 1% को बाय एंट्री यहाँ पे बन सकती है। बात करें यहाँ पे हम डॉट की, तो डॉट को आप देख सकते हो डॉट अभी एक सपोर्ट लेवल पे है, पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बनाया और अब दोबारा से ही सपोर्ट बना रहा है इसी लेवल को, तो चांसेस यहाँ पे हाई रहेंगे कि $8 से सपोर्ट लेके प्राइस एक बार दोबारा 8.5 या फिर ये जो लेवल है 8.42 यहाँ तक जाता हुआ मैं देखिए अगर बिटकॉइन कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाता है एक्सेप्शन में। तो इस हिसाब से आप सारे ट्रेड्स को अपने यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मैं पर्सनली बताऊँ तो जब तक बिटकॉइन ये लेवल नहीं तोड़ता $22,800-$22,700 का, इसके नीचे यहाँ पे फोरा कैंडल नहीं बनती तब तक शॉर्ट करने नहीं जाऊँगा, तब तक मैं मार्केट के अंदर थोड़ा ब्लू स्ट्राइक भी देखूंगा मार्केट को इस समय पर। बाकी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखोगे यहाँ पर तो न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, पहले आपको पता ही होगा ये रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा था, अब वही शुरू यहाँ पे हो चुका है ताइवान और चाइना के बीच में। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो वॉर की स्टार्टिंग कह सकते हो आप यहाँ पे हो सकती है, और ये बहुत ही बुरी न्यूज़ होगी अगर ऐसा कुछ यहाँ पे होता है जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है इन दोनों के बीच में। आपका क्या कहना है इन न्यूज़ के बारे में, आप कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी आपने कौन से कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करा है वो भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपने किसी कॉइन के अंदर अभी पे इन्वेस्ट करा है तो।